वेलकम स्टूडेंट। देन हम यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल बनाने जा रहे हैं, तो जिसमें मैंने डेफ सम इक्वल टू ए वन कॉमा ए टू दो मतलब आर्गुमेंट्स लिए हैं और टोटल इन आर्गुमेंट्स का टोटल कर लिया। देन मैंने यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन दिया एंड द प्रिंट यहाँ पर लिखा इनसाइड द फंक्शन, फंक्शन के इनसाइड पर ठीक, और कॉमा करके टोटल ये बताएगा, ठीक है। देन फिर मैंने रिटर्न लिखा रिटर्न, और क्या रिटर्न करेगा टोटल रिटर्न कर देगा, ठीक, और बाहर आ गया। अब फंक्शन कॉल करना है सिंपली, जैसे फंक्शन मैंने लिखा टोटल इक्वल टू सम एंड सम पे मैंने वैल्यू दिया 10, 20, ओके। सो ठीक, अगर आउटसाइड में बात करें तो आउटसाइड में क्या है कि मान लीजिए मैंने टोटल की वैल्यू पहले क्या किया कुछ ले लिया 0। अभी मैं एक फंक्शन यही फिर से दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, तो इनसाइड और आउटसाइड में आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। तो अभी मैंने ये फंक्शन कॉल किया जैसे टोटल इनसाइड में, तो फंक्शन से ये आ गया, लेकिन अगर मैं आउटसाइड से बात करूँ यानी प्रिंट, और यहाँ पर मैंने लिखा आउटसाइड द फंक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर टोटल की वैल्यू कितनी आएगी, तो जो हमने वहाँ पर डिक्लेयर किए, ठीक है। तो देखिए इनसाइड और आउटसाइड में सेम वैल्यू, तो ये आपको चीज़ थोड़ा सा फ़र्क दिखना है कि अगर मान लीजिए इनसाइड चूँकि ऑलरेडी फंक्शन चल चुका है और टोटल की वैल्यू ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। सो हमें वैल्यू हमेशा आउटसाइड द फंक्शन, हमने देखो अब यहाँ पर फंक्शन कॉल नहीं किया है, एक तो मैंने फंक्शन कॉल करके बनाया था वो तो सिंपली आपके जो वैल्यू, लेकिन चूंकि यहाँ पर टोटल की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है सो 30 हो चुकी है, सो लास्ट टाइम आउटसाइड भी आप फंक्शन कॉल करेंगे तो वैल्यू हमेशा आपको 30 मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ है कि स्कोप्स, स्कोप्स के रिलेटेड ये है कि जैसे मान लीजिए हमने टोटल की वैल्यू यहाँ पर ली थी, तो आपको मैंने ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया, देन आर्गुमेंट्स सेम एज इट इज़, ठीक है। तो आर्गुमेंट भी इसके सेम एज इट इज़ रहेंगे, सम मतलब सम नाम का मेथड, इसमें ए वन ए टू आर एंड द टोटल इक्वल टू ए वन प्लस ए टू यानी दोनों आर्गुमेंट्स का सम एंड इनसाइड द टोटल, तो इनसाइड द टोटल आप वैल्यू बताएगा रिटर्न किया टोटल, ठीक है। देन अब यहाँ से हम बाहर आके हमने क्या किया सम, और यहाँ पर 10, 20, अब देखिए ये वैल्यू कितनी आई 30, ठीक। देन आप यहाँ पे कहेंगे सर दो दो बार आ रही है, दो बार क्या आएगी, एक बार वैल्यू रिटर्न भी होकर आ रही है उसके संदेश दे रहा है। तो अगर इनसाइड आउटसाइड द ग्लोबल वैल्यू टोटल की बात करें, तो आउटसाइड में जैसे मान लीजिए कि ये आउटसाइड द फंक्शन अगर हम बात करें, तो यहाँ पर वैल्यू टोटल की 0। अब यही देखिए फ़र्क होता है दोनों में कि फंक्शन से रिलेटेड जितने भी थे उसमें तो सब लोकल थे, उनका लोकल स्कोप था, लेकिन अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है ना कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो टोटल पहले डिक्लेयर किया वो ग्लोबल ग्लोबल वैल्यू है, जो फंक्शन के अंदर है वो लोकल वैल्यूज हैं, इसी को स्कोप ऑफ वेरिएबल्स कहते हैं। ग्लोबल और लोकल में लोकल वेरिएबल्स को हमें वहीं कॉल करना पड़ता है, जबकि ग्लोबल हमारे आउटसाइड हम कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं, उनका कहीं भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। सो इस सेशन में हमने ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स के अलावा जिनको हम स्कोप ऑफ वेरिएबल्स कहते हैं, एक्चुअली स्कोप ऑफ वेरिएबल्स का ही मतलब यहाँ पे ये है कि लोकल और वेरिएबल और लोकल वेरिएबल से है, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल से है। इसके अलावा रिटर्न स्टेटमेंट और एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तीन चीज़ें यहाँ पर देखी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम्स को सेंड कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9125975633। ओके, थैंक यू वेरी मच।